जगत प्रसिद्ध माँ वैष्णो देवी के प्राकट्य और भैरवनाथ के बल की झांकी। जिसके संपूर्ण कथाकार की हम करते हैं संक्षिप्त प्रस्तुति। पुरातन काल में त्रिकुट पर्वत की पर्वत श्रृंखलाओं में माँ वैष्णो देवी का प्राकट्य एक नन्ही बालिका के रूप में हुआ। वह नन्ही बालिका त्रिकुट पर्वत के आसपास के क्षेत्र में लोक कल्याण कार्य करती दिखाई पड़ती थी। एक दिन एक तांसी तांत्रिक भैरवनाथ की दृष्टि उस नन्ही बालिका पर पड़ती है, तो वह उस बालिका से वार्तालाप करने के उद्देश्य से बालिका के निकट जाना चाहता है, किंतु नन्ही बालिका तांत्रिक भैरवनाथ से नहीं मिलना चाहती। भैरवनाथ को पर्वतमाला में कभी बालिका दिखाई पड़ती तो कभी लुप्त हो जाती। अंततः उस सिद्ध नन्ही बालिका ने भगवान हनुमान जी को आवाहन किया और परम वीर बलशाली हनुमान प्रकट हो गए तथा विनम्र भाव से कहने लगे, आदि शक्ति मैं उपस्थित हूँ सेवा हेतु, आदेश करे। गुफा के भीतर प्रवेश को बालिका रूपी वैष्णो देवी ने तप साधना आरंभ कर दी। आहार हनुमान जी सतर्क होकर पहरा देते रहे। कुछ काल पश्चात बालिका रूपी वैष्णो देवी को खोजते हुए तांत्रिक भैरवनाथ गुफा के निकट आया और जैसे ही भीतर प्रवेश का प्रयास किया हनुमान जी ने रोक दिया और बोले, परम तेजोमयी
शस्त्रों से सुसज्जित वैष्णो देवी महारानी और कोडी सुजित हनुमान इस बीच पापी मायावी तांत्रिक राक्षस भैरवनाथ की मृत्यु मेरे हाथों में है। इससे आप फिक्र न करो, मैं इसे तुरंत मार डालूंगी। मैं की खोज ले आया था कि तुम युवा नारी हो। हे नारी, मैं पराक्रमी और तांत्रिक हूँ तथा अनंत हेतु मैं सुखी पाना चाहता हूँ। आओ आओ तुम वापस से युद्ध खिलाकर मैं सुखी सकता हूँ। हे मायावी तांत्रिक, मेरे शरीर के अत्याचारी से केवल युद्ध ही आवश्यक है। सावधान, तैयार हो जाइए।